सब कुछ जय मसीह की। मैं पास्टर लाल जी विश्वकर्मा, आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 35 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 35 से आइए देखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा। और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा। आमेन, हालेलुया। मेरी प्यारी बहन बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है, जहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को समझाते हुए कह रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पे विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ने यह परमेश्वर की वचन बता रही। यीशु कह रहा है कि जीवन की रोटी यानी जीवन देने वाली वह रोटी मैं हूं। जिस रोटी से मनुष्य अनंत काल का जीवन पाएगा वह रोटी मैं हूं। और कहता है कि वह व्यक्ति जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा नहीं होगा। और जो मुझ पे विश्वास करेगा वह कभी प्यासा नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज पूरे संसार के अंदर हर कोई मनुष्य अपने जीवन के चंगाई के लिए, अपने जीवन के छुटकारा के लिए, अपने जीवन के उद्धार की भूख को लेकर इस पूरे संसार का भ्रमण करता है। इसलिए भ्रमण करता कि उसे उसके जीवन की जो भूख है, चंगाई की भूख, जो नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार की तकलीफें, नाना प्रकार की बीमारी में मनुष्य जकड़ा है, उन दुखों से, तकलीफों से, बीमारियों से, विपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए पूरे संसार का कोना कोना दौड़ रहा है। कहीं कहीं किसी व्यक्ति के पास तो कहीं किसी और के पास, ऐसा करते करके वो पूरे संसार का भ्रमण कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके चंगाई की, छुटकारे की और उद्धार की जो भूख है वह मिट नहीं पाती। वह हमेशा अपने जीवन में निराश ही और उदास ही रहता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें जीवन देने वाली, अनंत काल का जीवन देने वाली जो रोटी है वह मैं हूं। कहता है अनंत जीवन देने वाली रोटी मैं हूं, तुम में से जो कोई मेरे पास आएगा वह कभी भूखा नहीं होगा। कहता है कि तुम में से जो कोई व्यक्ति मेरे पास आ जाएगा वह निराश नहीं होगा, उदास नहीं होगा, परंतु वह चाहे जैसी भूख लेकर आए, चाहे जैसी बीमारी मेरे पास लेकर आए, मैं उसकी सारी भूख को मिटा दूंगा, अर्थात सारी बीमारी से उसे चंगा कर दूंगा, सारे दुखों से मुक्त करूंगा, सारी विपत्तियों से मुक्त कर दूंगा। आमेन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर की वचन कह रही है कि जो कोई मुझ पर यानी मेरे पास आएगा, कहता हुआ भूखा नहीं होगा, मैं उसकी भूख को मिटा दूंगा, उसके सारे दुखों को दूर करूंगा, तकलीफों को दूर करूंगा, विपत्ति को दूर करूंगा, परेशानी को दूर करूंगा, और जो पाप लेकर मेरे पास आएगा मैं उन्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। कहता है और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह प्यासा नहीं होगा। कहता है जो मेरे पास आता है वह भूखा नहीं होगा, और जो विश्वास करता है वह प्यासा नहीं होगा।
कहता उसे वह प्यासा नहीं होगा, यानी उसे शांति की तलाश करनी नहीं पड़ेगी, अपने उद्धार के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कोई व्यक्ति मुझ पे विश्वास कर लेगा, मेरी बातों को मानना चालू करेगा, मेरी आज्ञाओं में चलना चालू करेगा, वचन कहती है कि वह प्यासा नहीं होगा, अर्थात उसे सुख शांति खोजनी नहीं पड़ेगी, उसको उद्धार ढूंढना नहीं पड़ेगा। कहता है उसे उसे पाप से छुटकारा पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, कहता है कहीं भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए वचन कहती है कि वह कभी प्यासा नहीं होगा, उसे अपने जीवन की चिंता की कोई बात नहीं होगी, उसे ये चिंता नहीं करना पड़ेगा कि हम क्या करें कि हमें उद्धार मिल जाए, वो हम क्या करेंगे हमें छुटकारा मिल जाए, हम क्या करेंगे कि हमारे पाप क्षमा हो जाए। क्योंकि जो कोई यीशु के पास आता है, यीशु मसीह उसको चंगा कर देता है, उसे अपने ज्ञान के भंडार से भर देता है, उन्हें जीवन का मार्ग देता है, उन्हें अपने जीवन की सच्चाई के विषय में जानकारी हो जाती है। क्योंकि यीशु की वचन कहती है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा जो मेरे ऊपर विश्वास कर लेगा उसे मार्ग नहीं ढूंढना पड़ेगा, उसे सत्य नहीं ढूंढना पड़ेगा, उसे जीवन की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो कोई मुझ पर विश्वास कर लेगा उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। आमेन, हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा कि परंतु मैंने तो तुमसे कहा था, क्या यीशु मसीह ने कहा, देखो मैंने तो तुमसे कहा था ना कि तुमने मुझे देख लिया तो भी विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा मैंने तो तुमसे ये बात कहा था कि तुमने तो मुझे देख लिया है तो भी तुम इस बात पे विश्वास नहीं करते। अरे जो कुछ पिता मुझे देता है सब मेरे पास आएगा। कहता है कि जो कुछ पिता मुझे देगा सब मेरे पास आएगा, यानी उस पिता का दिया हुआ कोई मुझसे छीन नहीं सकता, परंतु वह मेरे पास आएगा, जो कोई मांगेगा वह मेरे द्वारा पाएगा। इसीलिए कहता है कि जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। कहता है तुम में से जितने लोग मेरे पास आएंगे मैं उन्हें कभी नहीं भगाऊंगा, उन्हें कभी उन आने वाले झुंड में से बाहर निकालूंगा। कहता है क्योंकि मैं इस संसार के अंदर अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा स्वर्ग से, कहता है भेजने वाले की इच्छा पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। कहता है देखो मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं भेज, कहता है यहाँ पे जो आया हूँ मैं अपनी इच्छा पूरा करने के लिए नहीं, परंतु अपने भेजने वाले अर्थात अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, स्वर्ग से भेजा गया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझ पे विश्वास कर लोगे तो तुम अपने जीवन में कभी निराश नहीं होगे, प्यासे नहीं होगे, तुम्हें जीवन की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, शांति की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। और कहता है अगर मेरे पास आओगे तो तुम्हें चंगाई ढूंढनी नहीं पड़ेगी, अवश्य है कि मैं तुझे चंगा कर दूंगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, प्रभु आपको आशीष देगा, आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करते पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने दे, हर एक के जीवन में अद्भुत अनोखा काम प्रकट होने दे, ताकि इनके जीवन में हे परमेश्वर तेरे स्वर्ग की आशीष से उतरने पाए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनके द्वारा जितने पाप जितने गुनाह हुए प्रभु, हर पाप हर गुनाह को क्षमा कर। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते के परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं इनके द्वारा कोई भी पाप गुनाह ना होने पाए, ना इनके जीवन में कोई दुख कोई तकलीफ कोई बीमारियां आए, हर दुख हर तकलीफ हर बीमारी बंधनों से इन्हें छुटकारा दे, इनके जीवन में अद्भुत अनोखा चमत्कार दे। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, इन्हें अपनी ज्ञान अपनी बुद्धि से भर दे, ताकि ये बुराई से घृणा करे भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा होने दे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में जो भी दुख बीमारियां बिल्कुल दूर होने पाए, प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ,
जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द निकल जाए, बदन में दर्द हो बदन का दर्द निकल जाए, जिसके आंखों में बीमारी आंख की बीमारी निकल जाए, कान में बीमारी हो तो कान की बीमारी निकल जाए, जिसके नाक में कोई बीमारी हो तो नाक की बीमारी निकल जाए, दांत में तो दांत की बीमारी निकल जाए, मुंह में तो मुंह की बीमारी निकल जाए, गले में तो गले की बीमारियां निकल जाए, सीने में तकलीफ हो सीने की तकलीफें निकल जाए, पेट में तो पेट के अंदरूनी हिस्से की सारी बीमारियां दूर होने पाए, कमर का दर्द घुटने का दर्द बिल्कुल नष्ट होने पाए, जोड़ों का दर्द हड्डी हड्डी का दर्द मांसपेशियों का दर्द नसों का दर्द बिल्कुल नष्ट होने पाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो वो चंगी हो जाए, हे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, हे परमेश्वर इनके शरीर में जुकाम हो खांसी हो बुखार हो बिल्कुल बाहर निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जिसका लीवर खराब हो हे परमेश्वर उसे चंगा होने दे, जिसके हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर कोई भी प्रकार की भयानक बीमारी हो तो सारी बीमारियां दूर हो जाए, हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर हे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कोई भी प्रकार के दुख तकलीफ बीमारियां हो तो नष्ट होने पाए, कैंसर जैसी बीमारी निकल जाए ब्लड कैंसर नष्ट होने पाए, दमा एचआईवी टीबी नष्ट होने पाए, हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता इनके शरीर से बाबा सिर की तकलीफें निकल जाए, बाबा सिर नष्ट होने जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में पतली हो तो नष्ट होने पाए, हे परमेश्वर किसी भी प्रकार का चर्म रोग खाज खुजलिया नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जिसके पास कोई संतान नहीं प्रभु ने संतान देकर आशीष दे, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निकल जाए, हे परमेश्वर जो पढ़ाई लिखाई करता है उसके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े जीवन के लक्ष्य को पूरा करने पाए, मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जो नौकरी के तलाश में नौकरी दे, हाँ मेरे प्रभु जो काम के तलाश में उन्हें काम देकर आशीष दे, मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जो काम के तलाश में उन्हें काम देकर आशीष दे, जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा दे, जो कर्ज में कर्जा से मुक्त होने पाए, जिसके पास घर नहीं घर दे, हे परमेश्वर चलने का साधन नहीं चलने का साधन दे, हर एक के रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे, काम धंधे बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत होने पाए, हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष उतरने पाए, हाँ मेरे प्रभु ताकि इनका जीवन तेरे अनमोल आशीषों से भर जाए, हे परमेश्वर प्रार्थना करते जितने तेज सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाय की छत्र में आशीष दे, उन्हें आत्मा और आत्मा की सामर्थ्य आत्मा के अभिषेक से भर दे, ओ परमेश्वर हर एक को अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भर दे, रिबास्तले रिबास्ता खवा सुंदो सबरबा होली 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 हो रिबास्ती खा रा रा रा, महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की महिमा हर एक के ऊपर उतरने पाए और हर कोई तेरी आत्मिक सामर्थ्य में भर जाए, हाँ मेरे महान परमेश्वर ने आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदान से परिपूर्ण कर ताकि आत्मा में आगे बढ़े जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करने पाए, महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं आमेन, परमेश्वर हरि को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।